गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। तब हमने लास्ट टॉपिक में अपना चैप्टर 11 स्टार्ट किया था और हमने उसको हाफ रीड किया था। आज हम बाकी का जो चैप्टर रह गया था वो रीड करेंगे। तो पीछे जो चैप्टर हमने रिव्यू उसको कर देती हूँ मैं आपको। हमने इस चैप्टर में ये देखा था कि कैसे जो हैं लोग फार्मिंग करते हैं, उनके जो घर की औरतें होती हैं वो और भी बहुत सारे काम करती हैं ताकि वो अपना अच्छे से गुजारा कर सकें, जैसे अचार डालना या कुछ भी, फिशिंग करना, मछली पकड़ना, मधुमक्खियाँ पालना और बहुत सारे जानवरों को वो पालते हैं। और फिर हमने उसमें ये देखा था कि पंजाब में जो है वो बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट है पंजाब, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है मॉडर्न टूल्स मिल जाते हैं फार्मिंग के लिए, और यहाँ पे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो जहाँ से हमें अच्छे सीड्स वगैरह मिलते हैं और बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है फार्मिंग के लिए। अब आगे हैं, ऑन संडे द फील्ड्स वर प्लग्ड वेल एंड द सीड्स वर सोन आफ्टर अप्लाइंग अ स्पेशल केमिकल ऑन देम टू सेव देम फ्रॉम मोल्ड। संडे को फील्ड्स को प्लग किया गया पहले अच्छे से, खेतों को अच्छे से, मिट्टी को मतलब जो करते हैं वो, और फिर उसमें बीज को उगाया गया, उन पर एक स्पेशल टाइप का केमिकल लगाया ताकि वो ख़राब ना हो सके। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, स्मॉल प्लांट्स ग्रू एंड द फील्ड्स वर फुल ऑफ ग्रीनरी। कुछ छोटे छोटे पौधे उग गए और फिर जो पूरा खेत था वो हरियाली से भर गया। अंकल सेड दैट मॉइस्चर एंड हीट आर नीडेड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अंकल ने बताया कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बीज को उगने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर, नमी और हीट चाहिए। आफ्टर सम डेज एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स, दैट इज एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट ऑफिसर फ्रॉम द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कम टू सी द क्रॉप्स। कुछ दिनों के बाद एग्रीकल्चर एक्सपर्ट आए क्रॉप्स को देखने। दे एडवाइज दैट द क्रॉप शुड बी वाटर्ड इन टाइम एंड यूरिया शुड बी अप्लाइड टू सेव द लीव्स फ्रॉम गेटिंग पेल। कि क्रॉप्स को टाइम टू टाइम हमें पानी देना चाहिए और उन पे यूरिया अप्लाई किया जाना चाहिए ताकि जो उनके पत्ते हैं वो पेल ना हो जाए, मतलब पीले से ना पड़ जाए उनके पत्ते। फूड ट्रेंड्स, ग्रैंडफादर सेड दैट देयर आर 29 स्टेट इन आर कंट्री। ग्रैंडफादर ने बताया कि हमारी कंट्री में 29 स्टेट्स हैं। द पीपल इन दीज स्टेट्स ईट डिफरेंट फूड। यहाँ के लोग, हर स्टेट के लोग अपना अपना खाना है उनका। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन दीज स्टेट्स। हर स्टेट में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। पीपल ऑल्सो हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। लोगों की फूड हैबिट्स भी अलग हैं। किसी को राइस पसंद है, किसी को चपाती पसंद है, कोई ऑयली फूड खाता है, कोई नहीं खाता। सो हर स्टेट का अपना अपना फूड हैबिट्स है। डिफरेंट फूड आइटम्स आर प्रिपेयर्ड एट देयर कम्युनिटी प्रोग्राम्स अपनी अपनी कम्युनिटी प्रोग्राम्स में, कहता हूँ कि अपनी अपनी डिफरेंट फूड आइटम्स प्रिपेयर की जाती हैं। देयर इज़ अ ग्रेट वीड प्रोटेक्शन इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। इन तीनों स्टेट्स में वीट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, कनक की खेती। द पीपल ऑफ दी स्टेट्स मोस्टली ईट फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम वीट फ्लोर। और यहाँ के लोग जो हैं कनक के आटे से बनने वाली चीज़ों का ही खाना ज़्यादा खाते हैं। इन द सेम मैनर द पीपल ऑफ बिहार एंड बंगाल कंज्यूम राइस एज दे प्रोड्यूस राइस एट अ लार्ज स्केल। ऐसे बंगाल और बिहार के लोग, उनके स्टेट में राइस बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए वहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। People of the southern India love to eat fish as they live near the sea. और जो southern India के लोग हैं वो समुंदर के किनारे रहते हैं, नज़दीक रहते हैं, इसीलिए वो मछली ज़्यादा खाते हैं। Today it was Harman's बुआ जी marriage. आज हरमन के बुआ जी की शादी है। गुरजीत family had close relation with Harman family. गुरजीत की family के हरमन family के साथ बहुत अच्छे relation थे। So गुरजीत attended the marriage along with his parents and grandparents. तो गुरजीत मैरिज को अटेंड करने गया अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। आफ्टर हैविंग टी एंड स्नैक्स, टी स्नैक्स लेने के बाद, सम ऑफ द क्लोज मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर टेकन टू द नियर बाई गुरुद्वारा फॉर अनंत कारज। कुछ जो क्लोज मेंबर्स थे उनको गुरुद्वारा में लेके गए अनंत कारज के लिए। अदर पीपल वर बिजी इन लिसनिंग टू द म्यूजिक एंड हैविंग स्नैक्स ऑफ देयर चॉइस। बाकी लोग स्नैक्स लेने में बिजी थे और म्यूजिक सुन रहे थे। गुरजीत फैमिली मेम्बर्स सेट ऑन द चेयर्स ऑल टुगेदर। गुरजीत के फैमिली मेम्बर्स जो थे चेयर्स पर बैठ गए। स्नैक्स पर बींग सर्व्ड बाय द वेटर्स, गुरजीत वॉन्टेड टू हैव एन आइसक्रीम। गुरजीत स्नैक्स जो थे, वेटर स्नैक्स बांट रहे थे और गुरजीत को आइसक्रीम खानी थी। सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर, दादाजी डू यू वॉन्ट टू हैव एन आइसक्रीम। हिज ग्रैंडफादर अंडरस्टूड हिज ट्रिक एंड सेड, सन आई डोंट ईट कोल्ड थिंग्स बट आई नो यू वॉन्ट आइसक्रीम। गुरजीत ने कह दिया अपने दादाजी से, पूछा कि आप आइसक्रीम खाओगे, बट उसके दादाजी समझ गए कि
वो एक्चुअली वो खुद खाना चाहता है आइसक्रीम, तो वो पूछ रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं खानी, मैं कोल्ड ठंडी चीज़ें नहीं खाता, बट आई नो, मुझे पता है तुम्हें आइसक्रीम खानी है। दादाजी, हाउ डू यू कम टू नो सो क्विकली दैट आई वॉन्ट टू हैव एन आइसक्रीम, आस्क गुरजीत। गुरजीत ने पूछा कि आपको एकदम से कैसे पता चला कि मुझे आइसक्रीम खानी है। सन, आई नो ऑल योर ट्रिक्स, मुझे तुम्हारे सारे ट्रिक्स पता है। यू यूज़ द सेम ट्रिक्स टू गेट गच्चक, टॉफीज और चिप्स फ्रॉम द शॉप। कहते हैं उन्होंने बताया कि तू ऐसे सारे ट्रिक्स जो है, जब शॉप से तुझे गच्चक, टॉफी और कैंडीज चाहिए होती हैं, तो तू यूज़ करता है। ग्रैंडफादर शेयर्ड हिज एक्सपीरियंसेस, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। आई यूज़ द सेम ट्रिक्स टू हैव फ्रूटी वेन एवर आई गो टू द मार्केट विद फादर, सेट गुरजीत लाफिंग। हंसते हुए गुरजीत ने बताया कि मैं सेम ट्रिक्स जो है तब भी यूज़ करता हूँ जब मैं पापा के साथ मार्केट जाता हूँ, जब मुझे फ्रूटी चाहिए होती है। सन, यू मस्ट टेक मिल्क, कर्ड, घी, खोआ एक्सेट्रा इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तुम्हें घी, दूध, दही, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए इन सब चीज़ों को छोड़कर। इट इज़ बेटर इफ़ यू ईट फ्रेश फ्रूट्स इंस्टेड ऑफ फ्रूटी, और आस्क योर मदर टू एक्सट्रैक्ट फ्रेश फ्रूट जूस फॉर यू। कहते फ्रूटी की जगह अगर तुम फ्रेश फ्रूट खाओ या अपने मम्मा को बोल के फ्रेश फ्रूट्स का जूस पियो, वो ज़्यादा अच्छा है। योर फादर वॉज गिवन प्लेनिटी ऑफ मिल्क एंड घी बाय मी, हमारे पापा बहुत घी और दूध पीते थे, दैट्स वाई ही हैज़ अ गुड फिजीक, इसीलिए उनका फिजीक अच्छा है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है। समटाइम्स मिल्क विद पावर्ड आलमंड्स और सेमिया वर गिवन टू योर फादर, कई बार मैं उनको आलमंड से भरा हुआ दूध और सेमिया बना के देते थे। बट नाउ ही हैज़ चेंज हिज डाइट बिकॉज ही हैज स्टॉप ही हैड स्टॉप्ड वर्किंग ऑन द फील्ड्स एंड हैज स्टार्टेड स्टडी, लेकिन अब उन्होंने जो है अपना खाना चेंज कर दिया है। बट ही स्टिल हैज़ द हैबिट ऑफ ईटिंग गुड आफ्टर मील, बट उनको अभी भी खाना खाने के बाद गुड़ खाने की आदत है, सेट गुरजीत्स ग्रैंड मदर टेकिंग पार्ट इन द कन्वर्सेशन। गुरजीत के ग्रैंड मदर ने बातों में पार्ट लेते हुए उन्हें बताया, दादाजी आई ऑल्सो टेक मिल्क मिक्सड विद समथिंग और अदर ट्वाइस अ डे, बट आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ खिचड़ी मिक्सड विद मिल्क विच यू ईट, सेट गुरजीत। दादू उसने बताया कि मैं दूध पीता हूँ और ठीक है, और ट्वाइस अ डे, अदर ट्वाइस अ डे, बट आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ खिचड़ी, लेकिन मुझे खिचड़ी पसंद नहीं है जैसे आप खाते हो। सन, इन आर टाइम्स डाइट मेनली इंक्लूड मिल्क, हमारे समय में जो डाइट में मिल्क, बटर और सीरियल्स होती थी। योर ग्रैंडफादर यूज टू ड्रिंक अ बिग मग ऑफ बटर मिल्क इन वन गो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम फील्ड्स इन समर, उन्होंने बताया कि तुम्हारे दादाजी जो थे वो बिग मग जो था बटर मिल्क का पीते थे, मक्खन वाले दूध का पूरा एक मग पीते थे जब वो फील्ड से वापस आते थे। द काउ वाज मिल्क डायरेक्टली इनटू द बकेट ऑलरेडी कंटेनिंग बटर मिल्क, ठीक है। दिस ड्रिंक वाज कॉल्ड इन द आफ्टरनून ऑल फैमिली मेम्बर्स यूज टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द कार्नी, नाउअडेज नीदर much physical works are done nor those nutritional diets are needed, said grandmother recollecting her memories. तो उन्होंने सब बताया कि कैसे पुराने समय में लोग जो निकाला हुआ दूध होता था, एकदम फ्रेश दूध वो पीते थे, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे फिजिकल वर्क्स जो थे बहुत ज़्यादा होते थे और ऐसे न्यूट्रिशन डाइट की जो थी ज़रूरत होती थी। दादाजी, यू एडमिट योर सेल्फ दैट डाइट्स हैव चेंज्ड, देन बाय एवरी वन आस्क्ड मी नॉट टू ईट टॉफीज चिप्स कुरकुरे आइसक्रीम एक्सेट्रा, गुरजीत गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू जस्टिफाई हिमसेल्फ। दादाजी, जैसे आप बता रहे हो कि डाइट्स चेंज हो चुकी हैं, तो हर कोई मुझे टॉफी चिप्स वगैरह खाने से क्यों रोकता है। माई सन, एक्सेसिव शुगर इन कैंडीज डिके द टीथ, जो कैंडीज में शुगर होती है बहुत ज़्यादा वो तुम्हारे दांत खराब कर सकती है। कुरकुरे एंड चिप्स आर नीदर हेल्दी नॉट डाइजेस्टिबल ईजिली, कुरकुरे और चिप्स जो होते हैं ना तो वो हेल्दी हैं और ना हम उन्हें ईजिली पचा सकते हैं। We must not eat very cold things like ice creams in excess as well, added Gurjeet's mother. फिर गुरजीत के मदर ने बताया कि हमें बहुत सारी कोल्ड थिंग्स नहीं खानी चाहिए जैसे आइसक्रीम वगैरह। इन द मीन टाइम, इसी बीच स्टॉल्स इन द मैरिज पैलेस वर ओपन, स्टॉल्स खुल गए मैरिज पैलेस के। Nowadays marriages are a show of matter only, said a middle-aged man sitting nearby. Show off but necessity also. Means of transportation have increased. Food items should also be served according to the choice of the guest invited from far off places.
एन इनहेबिटेंट ऑफ हरियाणा सेड भातू रायता गाजर हलवा रबड़ी एट्सेट्रा आर कॉमन इन अर एरिया. मतलब वहाँ पे मैरिज स्टॉल खुल गए, लोग आपस में बातें करने लगे, हर कोई बताने लग गए. उन्होंने वहाँ पे एक बंदे ने बताया कि हमारे वहाँ पे भातू रायता गाजर हलवा रबड़ी जो है हमारे एरिया में बहुत कॉमन है. इफ़ वी मूव अ लिटल फर्दर टू राजस्थान, अगर हम राजस्थान की तरफ जाएं तो मिर्ची वड़ा, मक्खन वड़ा, दाल बाटी चूरमा ये सब कॉमन है. अगर हम साउथ में जाएं तो पीपल जो हैं, लोग जो हैं, इडली डोसा एक्सेट्रा सर्व करते हैं और वहाँ पे लीव्स में खाना मिलता है, प्लेट्स में नहीं मिलता. वाइल हैविंग फूड ऑफ देयर ऑन चॉइस पीपल ईट द फूड इन प्लेट्स एज वेज. कहता कई बार लोगों की चॉइस का खाना होने के बाद भी लोग जो है प्लेट्स में खाना छोड़ देते हैं. लिविंग फूड इन प्लेट्स हैज़ बिकम अ फैशन नाउअडेज. आजकल ये फैशन बन चुका है. इट इज़ नॉट गुड टू वेस्ट फूड. खाने को वेस्ट करना अच्छा नहीं है. सी दोज बैगर्स विद एम्प्टी स्टमक, दे आर फोर्स टू बैग फॉर फूड. वो जो भिखारी बेचारे भूखे पेट, उनको उनका मजबूरी बन जाती है उनको कहता भीख मांगना. देयर लिटिल चिल्ड्रन रियली ईट अप टू देयर फिल, सेड गुरजीत ग्रैंडफादर पॉइंटिंग टू द बैगर स्टैंडिंग एट द गेट विद देयर एम्प्टी पॉट्स. उन्होंने ऐसे उस बैगर की तरफ इशारा करते हुए बताया जो गेट के पास खड़ा था, कैसे ये लोग बेचारे भूखे रह जाते हैं और हम लोग खाना वेस्ट करते हैं. सो हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए. ये चैप्टर था जिसमें आपने बहुत कुछ चीज़ें जो हैं पढ़ी और सीखी. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.